हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं UPSC और GDC के इंटरव्यू के बारे में। तो आपके जो है हिंदी के तो इंटरव्यू ख़त्म हो गए हैं, लेकिन GDC के में हिंदी का इंटरव्यू आपका होना है। इसके अलावा जो UPSC है उसके अन्य विषयों के जो है इंटरव्यू होने वाले हैं। तो ऐसे में सभी के सामने समस्या आ रही है कि हम टॉपिक को कैसे चुने, कौन से टॉपिक जो है हम लेके जाएं। तो कौन कौन से विषय जो है आप चुन सकते हैं, तो देखिए जो भी आपके लिए इजी हो, जो विषय जिसमें आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सा ही टॉपिक क्यों ना हो, आप उस विषय को चुनें। जैसे अगर बात की जाए कि हिंदी की, तो हिंदी में आप जो है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने उदाहरण दिया था कि आप गोदान उपन्यास के बारे में ले जा सकते हैं। तो आप जो है जब गोदान की बात करेंगे तो आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे, प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो है गोदान उपन्यास के बारे में उसका प्रकाशन वर्ष, दूसरे लेखकों के, दूसरे जो आलोचक हैं उनके क्या कथन है इस बारे में, क्या मत रहे हैं गोदान उपन्यास के जो पात्र हैं आदि। तो इस प्रकार से आप अपना विषय जो है वो चुन सकते हैं। ऐसे ही जो है आप अन्य विषयों, जैसे कि अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल की बात करूं, तो जैसे आपने चुन लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप उसको बता सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो कोई भी एक छोटा सा टॉपिक आप अपने हिसाब से ले जाएं, और उससे पहले कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन हैं, आप उनसे संबंधित जो है वो अपना टॉपिक ले जा सकते हैं, और देश की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित अपने टॉपिक। यहाँ पर मैं एक जनरल विषय की बात कर रही हूँ कि आप अपने कौन कौन से टॉपिक जो है वो यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ आप कोई भी एक ऐसा टॉपिक चुने जो आपके लिए ईजी हो। अगर विज्ञान की बात करें, साइंस की, तो आप मॉलिक्यूल्स वगैरह, कोई भी एक छोटा टॉपिक ले जाएं। तो टॉपिक का नाम जो हो वो छोटा हो, लेकिन उसके बारे में जो है आप जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कर लें, क्योंकि प्रश्न जो है आपके वहीं से बनेगा जहां से आपका टॉपिक जो है वो शुरू होता है। देखिए, तो जिनकी PhD हो चुकी है, PhD वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी जो है जो इंटरव्यू में उनसे पूछा जा रहा है वो उनके रिसर्च से संबंधित प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, या उनको पढ़ाने के लिए अगर बोला जा रहा है तो उनके PhD टॉपिक से ही बोला जा रहा है कि आप यही पढ़ाइए। लेकिन जो अन्य विषय वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने केवल मास्टर्स कर रखा है, MA, MSc, MCom कुछ भी कर रखा है, मास्टर्स है जिनकी, उनको जो है पूछा जा रहा है आप किस विषय की तैयारी करके आए हैं, तो वो अपना जैसे बता देते हैं कि हम भक्ति आंदोलन पे करके आए हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा टॉपिक कि हम इस टॉपिक पे अपना तैयार करके लेकर आए हैं, तो वो उन्हीं से संबंधित कहते हैं कि ठीक है आप पढ़ा के दिखाइए, और आप उनसे संबंधित तो जो है उनके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टॉपिक या बहुत ऐसा कि सामने वाले इंटरव्यूअर को लगे कि बहुत ज़्यादा इसको नॉलेज है, तो ऐसे में आप कोई ऐसा टॉपिक, कठिन सा टॉपिक चुन लें। नहीं, आपको जो है बिल्कुल एक ईजी सा टॉपिक ही चुनना है, ताकि आपके लिए जो है आसानी रहे आपको समझाने में और कुछ भी एक्सप्लेन करने में, जो भी आप बताना चाहते हैं। तो कोई ईजी टॉपिक ही आप अपने लिए चुनिएगा, चाहे वो कोई भी विषय वाले हो, विद्यार्थी हो। तो यहाँ बाकियों के भी जो है इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, BEd वालों के, पॉलिटिकल वालों के तो जुलाई में हैं, लेकिन बाकी अभ्यर्थियों के जो है शुरू होने वाले हैं, BEd का है, और साइंस वालों में से शायद किसी का था, एजुकेशन का है शायद, याद नहीं मुझे, लेकिन दो सब्जेक्ट वालों के कल से शुरू हैं। तो ऐसे में जो है आप अपना टॉपिक जो है कोई भी ईजी टॉपिक ले लें, दो टॉपिक चुनिएगा, एक ना लेकर जाए, क्या पता हो सकता है वहाँ वो कहे कि नहीं आप दूसरे सब विषय के बारे में बताइए, वहाँ आप दूसरा टॉपिक ले जाएं और दो टॉपिक अपने पास तैयार रखें। अगर एक टॉपिक उनको जचे ना या कुछ भी हो सकता है, तो आप वहाँ दूसरे टॉपिक के बारे में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप एक ईजी टॉपिक ले जाइए। अगर आप कहेंगे, जैसे कि अन्य विषय वाले हमारे अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, तो अगर वो बताएंगे कि मैं टॉपिक्स उनके सब्जेक्ट से भी बता दूं, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको बता दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको वो टॉपिक्स भी बता दूं कि आप ये टॉपिक जो है ले जा सकते हैं। बाकी ये जो बात होती है वो होती है आपकी इंटरेस्ट की, कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस टॉपिक में इंटरेस्ट है। मैं कुछ बता दूँ, आपका इंटरेस्ट
किसी और चीज़ में हो और आप कहें कि नहीं मैम ने यही बोला था तो यही टॉपिक हम ले जाएं, नहीं, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, देखिए आपके पास पूरा एक सिलेबस है, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप वो टॉपिक ले जा सकते हैं और उन्हीं की तैयारी आप वहाँ पे कर सकते हैं अच्छे से बोलने की, जो भी आपका विषय आपका जिसमें रुचि हो वो ले जाएं और कोई ईजी सा ही टॉपिक ले जाएं जिसमें अच्छे से बोल सकें। तो अगर आपको कुछ चाहिए कि कोई टॉपिक मैं बता दूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी इंटरव्यू संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि वीडियो के माध्यम से उसको बताया जा सके। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।